रहा है, कब से बुला रही हूँ आपको, हैं? भूखा बहरा हो गया लोर आके, गाड़ी खराब होगी, सारे प्लान्स खराब हो गए। ये चुम्मियाँ नहीं करनी मेरी तरह, बस चुम्मियाँ ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू व्लॉग आएगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपने मेरा व्लॉग देख लेना। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं और हम लोग घर वापस आ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पीछे बैकग्राउंड से। तो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, खैर वो खज्जल खुआरी तो हमने काटी काटी ना, मतलब पूरे 12 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र हो गया था। और फिर गाड़ी हमारी यहाँ लाहौर में सुनने में आया जी संडे वाले दिन जो है वो सब कुछ मतलब वर्कशॉप वगैरह बंद होती हैं, काम वगैरह नहीं होते, तो फिर हमारी गाड़ी जो है हम लोग मतलब हाँ रात को आई थी, सैटरडे को दी थी, लेकिन उन्होंने तब तक चेक वेक किया और फिर वो मंडे को हमें वापस मिली गाड़ी ना। तो और आज वेनसडे हम घर आ गए, कल हम लोग वापस आ गए थे। खैर पहले आप लोग वो देखो यार, हम लोग गए थे मंडे वाले दिन ही गए थे रात में, फिर सारा बस घूमा फिरा। आप देखो हम BFC गई थी लाहौर के, बस मैंने सोचा था यार हाँ ओके। अच्छा तो गाइस वो सलाम पढ़ने लगे था मौलवी, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने क्या सोचा था कि हाँ यार घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों के कोई ब्लॉग नहीं आया यार वहाँ पे, मतलब प्लान था लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई, हमारे 2 दिन वहीं पर वेस्ट हो गए और हमने मंडे को वापस आना था, मंडे को भी फिर हमें रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ी मंडे को सही होकर आई थी। सैटरडे संडे मैंने इसलिए लोग के फैमिली इवेंट्स थे, मैं हमने सोचा था दिन में थे मतलब शाम तक 4-5 बजे तक वहाँ से फ्री होकर रात में चलो थोड़ा लाहौर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। खैर बिकॉज गाड़ी ख़राब होगी सारे प्लान्स ख़राब हो गए, और फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं प्लान बनाऊँगी, फिर हम ज़रूर मतलब खाएँगे पियेंगे। बस फिर हम लोग गए थे BFC, आप वो देखो पहले एक ये है, ये अपनी क्या करा के आ गए कटिंग है, बड़ा तू डैशिंग वैशिंग लग रहा, जाके ना ले अब पानी गर्म हो गया तो तेरा, वैसे मैंने तो ठंडे पानी से नहाया, अब गर्मी खत्म हो गई है मुल्तान में। लो आया BFC पिज्जा खाने, काके 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 सुन क्यों नहीं रहा है, कब से बुला रही हूँ आपको, हैं? भूखा बहरा हो गया लोर आके। गाइस यहाँ पे देखो पुराने दौर का वेस्पा खड़ा हुआ, आज मैं स्कूटी देख रही, लेकिन मेरी ना इस बहन ने नहीं लेने दी, मेरे आगे घूर घूर के देख रही हो, तो तू भी तो बार बार यही गल करती है, तो ना करू तो मैं भी ना कूरा नहीं। तो वैसे हमने दो मंगवाए, ये तिक्का लग रहा है और वो दोनों मुझे सेम लग रहे हैं, सुप्रीम और तिक्का जिया था, लेकिन ये कैसे लग रहे हैं, चलो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। लाहौर का BFC का पिज्जा, वैसे एक साथ ही मेरे म्यूजिक चलाया हुआ इतना डर लगता कॉपी लेट ना आ जाए, मजेदार है टेस्ट, नजर आया। सो गाइस ये है मेरा ऑल इसके आइस कलर देखो यार, गाइस ये मेरी कजन है, ये मेरी कजन है, कजन है, वाओ कितनी अच्छी है ना इस इसकी सनाने सी बेबी को रुला दिया गाइस, माशाल्लाह गाइस सबने माशाल्लाह करना, मुझे आइस बहुत अच्छी लगती है, मेरा ऑल की आइस बहुत अच्छी लगती है, इसके भाई की बहुत अच्छी है, अरसल ऐसा आप लोगों ने सना के ब्लॉग्स में देखा होगा अरसल को, वो देखो वो देखो 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 भास्कर भास्कर सना भास्कर पूरी सारा की तरह हरकत है, हम समझते नहीं सारा ही कहती है, मतलब मिराल की सब कुछ वैसे ही करती है। अरसल अरसल क्या खा रहे हो, क्या खा रहे बताओ, पहले मुझे बता रहे थे ना क्या खा रहे थे आप, बेबी क्या खा रहे है, क्या हुआ क्या हुआ क्या खा रहा है बेबी, मैं जो ना वापस दे कुरकुरे खा रहा हूँ, कुरकुरे खा रहे हो, और क्या खा रहे हो, अब कुछ भी नहीं खा रहा, और कुछ भी नहीं खा रहा, मजे के लग रहे हैं, स्पाइसी है, स्पाइसी नहीं है, मजे क्या आपकी बहन का है, बहन का है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, मिराल, मिराल वाओ छोरी है वो, आपने तो नहीं जाना, मिराल ने जाना, क्या गंदे हो जाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, हंसाओ इसको, हंसा के दिखाओ बेबी को, ये चुम्मियाँ नहीं करनी मेरी तरह, बस चुम्मियाँ ही आती हैं और चुम्मियाँ करके आपने ये क्या किया, किस करके रुला दिया बेबी को, हंसाना है बेबी को, हंसाओ हंसाओ जल्दी, नहीं हंस रही,
नहीं हर्षवी आपने रुला दिया उसको। अच्छा तो गाइस लास्ट नाइट जो हमने अपने मामू के घर स्टे किया और उनके पापा कह रहे थे अपने ब्लॉग में दिखाओ जो उन्होंने ऊपर छत पे ना मतलब अपने खुद से मतलब पता नहीं क्या क्या आप लोग देखो टमाटर और पता नहीं क्या क्या आप लोग देखो वो ओके गाइस ये देखो मेरे मामू के घर हम आए हैं उन्होंने ऊपर सारे मतलब लगाए हुए हैं ये बैंगन है ये देखो छोटे छोटे लगे हुए अभी टमाटर भी दिखाती हूँ ये देखो टमाटर भी लगाए हुए ये सलाद का पत्ता जो हम लोग नहीं खाते बहुत कम खाते हैं लेकिन ये है ये गुलाब लगे नहीं है ये कली का ये कली नहीं है ये भी मिर्च है अच्छा ग्रीन था इसलिए ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल वो जो होते हैं फ्लावर्स उधर भी है दो पे पता नहीं वो ये देखो यार इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी ऐसे लग रहा है दरख्त बनेगा चलो अभी बताओ ये रबड़ प्लांट है ये आलम लगा हुआ है बांस का क्या है ओदा है चलो आप घर चलो आपके घर जाने का टाइम हो गया है चलो उठो सारे पैरेट और इतने मतलब पौधे ही पौधे लगाए हुए एक तरह से अच्छे लगते हैं बहुत ग्रीनरी है सारे हर जगह पौधे ही पौधे लगे हुए इसको खोल कर दिखाते हैं मामू ने सारे पौधे लगे हुए लाइन में। अच्छा तो गाइस और फिर हम वापसी पे जो है 11:30 जो है ना मोटरवे पे चढ़ चुके थे उसके बाद ठीक मतलब एग्जैक्ट जो है ना 3:30 हम लोग घर थे मतलब 3:30 से पहले हम लोग घर पहुँच गए थे और बहुत वापसी का सफ़र बहुत अच्छा रहा मतलब मुझे बिल्कुल समझ आ गई जाते हुए मेरा फर्स्ट टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आई थी वापसी भी बिल्कुल अच्छा गया मतलब पेट्रोल एवरेज भी और सब कुछ बिट पाड़ा मैं एक्सपर्ट हो गया मुझे समझ आ गया है। खैर हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे हम लोगों ने जाते हुए स्टे भी किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम भी था और मैं थक भी रही थी। खैर वापसी पे हमने बहुत कम स्टे किया मतलब 10-15 मिनट ही बस स्टे किया उसके बाद फिर हम लोग शुड़ मतलब मैं बस ले ही आई गाड़ी को फिर हम खैरियत से पहुँच गए ओके तो आज हम लोग खैरियत से घर तो पहुंच गए थे उसके बाद आके मुझे जो नींद आई मैं मतलब इधर ही जिस अभी सोफे में बैठी मैं यहाँ आके ऐसी सो गई थी लाइट भी चली गई थी 3:30 और फिर मैं सो गई मैं ऐसे बेहोशी वाली नींद में ये लोग मुझे कई जगह कुछ कॉल है ये वो मेरा शुगर लेवल भी लो हो गया था तो जो है ना मतलब मैं सो गई थी फुल और अभी जाके सुबह भी जाके मुझे थोड़ा रिफ्रेश हुआ मैं ब्लॉग जो है ना एंड करने लगी हूँ। हेलो बेबी बेबी के पीछे से तबीयत खराब हो गई थी ना फ्लू हो गया और थाने में घूमो है तभी फ्लू हो गया ना बेबी को थोड़ा कुछ चालो तो वैसे बस हम लोग फिर आगे घर मतलब सारे प्लान्स फ्लॉप और हम लोग आगे घर वापस तो गए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जब भी न्यू व्लॉग आएगा तो आपका नोटिफिकेशन आएगा मेरा व्लॉग देख लेना ओके अल्लाह हाफिज़।